Today I am going to tell you about what are the strategies and plans you have to apply for MLS preparation. इस चैनल में मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस के बारे में नहीं बताने जा रही, जैसे कि MLS एग्जाम के हम तुरंत की बात दे सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग है, आर्मी बैकग्राउंड जरूरी है, ये सब मैं प्रोवाइड नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोज अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाकर MLS के बारे में सर्च कर सकते हो। जा रही हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने जा रही हूँ, मैं आपको स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स बताने जा रही हूँ कि कैसे आप MLS को घर बैठे प्रिपेयर कर सकते हो बहुत इजी वे में। और आप सबको पता है कि MLS एग्ज़ाम जो है इसका एग्ज़ाम ड्यूरेशन 1 hour 30 minutes है, दैट इज टोटल 90 minutes, एंड एग्ज़ाम 150 marks का आता है टोटल, जिसमें इंग्लिश, GK, साइंस डिवाइडेड है 50-50 marks ईच। रीजनिंग को मैं कंसिडर नहीं करूँगी क्योंकि जिस साल रीजनिंग आती है उसे इंग्लिश और GK में एडअप किया जाता है, 1-2-4 questions दे देते हैं रीजनिंग से, तो किसी साल रीजनिंग दी जाती है, किसी के साथ रीजनिंग नहीं दी जाती है, तो रीजनिंग इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये 1-2 marks की आती है, तो रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेन फोकस इंग्लिश पर देना है और इंग्लिश में भी आपको वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। इंग्लिश में आपको पता है वोकैबुलरी आती है, प्रीपोजिशन आते हैं, वर्ब आती है, कंजक्शन आते हैं, स्पेलिंग करेक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वन वर्ब सब्स्टिट्यूशन है, इंक्रीमेंट फ्रेजेस है, ये सारे 5-5 marks के आते हैं, तो टोटल 50 marks इंग्लिश हो गए। GK में आपको करेंट अफेयर एंड स्टैटिक आती है, दोनों इक्वली वेटेज है क्योंकि किसी साल आपको करेंट अफेयर ज़्यादा दी जाती है, किसी साल स्टैटिक दी जाती है, तो दोनों इक्वली आपको लेके चलना है, इक्वली इंपॉर्टेंट देनी है दोनों। ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है फिर नोट्स बनाने में भी, इसलिए तो कल मैं आपको 2019 का पहले एग्ज़ाम बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें से, फिर उसके बाद हम आगे की प्रिपरेशन करेंगे और स्टार्टिंग करेंगे इंग्लिश से। और GK इतनी हार्ड नहीं है, मुझे पता है, मैंने इंग्लिश GK की प्रिपरेशन की है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड जय हिंद।